जैसे इसमें हार्ड वाटर मार्क्स पड़ रहे हैं, कि कितना ये क्लीन करता है और कितना नहीं करता। इसकी प्राइस की बात करें, सबसे पहले आ गया हार्ड वाटर मार्क्स जो हमारे एलॉय पे हैं, दूसरा हमारा हैवी रस्ट हो गया, तीसरा हमारा हल्का लाइट स्पॉट्स हैं जैसे रस्ट के इस पर दिख रहे हैं, जो लाइट स्पॉट्स हो गए, चौथा हमारा पेंट फेडेड हो गया। और अपनी क्रोम देखो, यहाँ पे आने के बाद फील हो रहा, साफ फील हो रहा है कि ये वाला एरिया क्लीन। स्टार्टिंग जो होती है ना वो छोटे छोटे रस्ट के डॉट्स से होती है, वही इस एरिया पे लग रहे हैं सारे रस्ट के जितने भी स्पॉट थे ना। आज हम रिव्यू करेंगे टर्टल वैक्स के क्रोम पॉलिश एंड रस्ट रिमूवर का। उसके लिए अपने पास बाइक है, इसमें ऑलमोस्ट सारे पार्ट हैं। पहले लेते हैं मेटल के ऊपर क्रोम पार्ट का, जैसे इसमें हार्ड वाटर मार्क्स पड़ रहे हैं सेम यहाँ पे है। उसके बाद बात करते हैं रस्ट रिमूवर की, ये देखो रस्ट के स्पॉट हैं इस पर। उसके बाद हम बात करें प्लास्टिक के ऊपर क्रोम होता है इसकी, तो ये सारे टेस्ट है ना हम अपने क्रोम पॉलिश एंड रस्ट रिमूवर के साथ करने वाले हैं कि कितना ये क्लीन करता है और कितना नहीं करता। इसकी प्राइस की बात करें 768 तो इसका प्रिंट है, बट मुझे 350 के अराउंड ये पड़ा है। सबसे पहले हम इसको वॉश कर लेते हैं, उसके बाद अप्लाई करते टाइम मैं आपको बताता हूँ कहाँ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना, और आपके लेने के लिए वर्थ इट है या नहीं है सारी बातें, और ट्रायल पूरा इसका हम सारे पार्ट्स पे लेके देखेंगे क्या रिजल्ट रहता है। बाइक की वॉशिंग हो चुकी है अपनी कंप्लीट। ये वाला जो एरिया था यहाँ पे जो हार्ड वाटर मार्क्स थे वो तो हट चुके हैं वॉशिंग से ही। शैम्पू के ऊपर डिपेंड करती है वो बात, एक बार शैम्पू की मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा कभी। जो मार्क्स रह गए हैं ना, ये देखो एलोए का ऐसा है ये सबसे ज़्यादा गंदे पानी में चलते हैं, तो यहाँ पे इस एरिया में रह गए हैं हार्ड वाटर मार्क्स। दूसरा ये हो गया आपका हैवी रस्ट, ये हैवी रस्ट है, और लाइट रस्ट दिखाता हूँ मैं आपको जो इतना है हल्का सा रस्ट लग जाता कई बार, स्मॉल स्मॉल से डॉट हैं इसके अंदर रस्ट के। तीसरा जिस चीज़ के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए होती है जब हमारा फेडेड हो जाते हैं पार्ट्स, ये क्रोम के पार्ट्स हैं जैसे ये फेड हो चुके हैं पूरे टोटली, एक ये और एक ये, दोनों के दोनों फेडेड हुए पड़े हैं। चौथा ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन धूप बारिश पानी सारे एनवायरनमेंट झेलने के बाद इस पर हार्ड वाटर मार्क्स भी हैं थोड़े से और रस्ट भी है इसके ऊपर, अगर फील कर पा रहे हो ऑक्सीडाइज हो चुका है इसका प्रिंट काफ़ी हद तक। अब ये सारे चीज़ें सिम्टम्स मैं चेक करूँगा, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको किस चीज़ के लिए आपको लेना चाहिए। सबसे पहले आ गया हार्ड वाटर मार्क्स जो हमारे एलॉय पे हैं, दूसरा हमारा हैवी रस्ट हो गया, तीसरा हमारा हल्का लाइट स्पॉट्स हैं जैसे रस्ट के इस पर दिख रहे हैं, जो लाइट स्पॉट्स हो गए, चौथा हमारा पेंट फेडेड हो गया, और पांचवा हमारा ऑक्सीडेशन। तो यही सारी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमें एक क्रोम क्लीनर चाहिए होता है। अब मैंने आपको सारे, मैंने जो भी भाई क्रोम क्लीनर लेने की सोच रहा होगा ना 100% इन चार या पांच बातों में से कुछ ना कुछ होगा उसका इशू जिस वजह से भाई लेने की सोच रहा होगा। अब करते हैं एप्लीकेशन की बात, तो एप्लीकेशन का इसका ऐसा है, इसमें जो मेंशन है ना इसमें ये है कि आप इसको किसी माइक्रोफाइबर टॉवल से ना किसी भी पार्ट के ऊपर अप्लाई करो और 5 मिनट के बाद उसको फिर माइक्रोफाइबर टॉवल से दूसरी साइड से रब कर लो या दूसरे माइक्रोफाइबर से रब कर लो। लेकिन मेरे को लगता है कि क्रीम को अप्लाई करने के बाद हमें उसको साथ साथ ही रब करना चाहिए, वो साथ साथ ही क्लीन हो जाएगा। बाकी इस चीज़ का मैं टेस्ट इन दोनों के ऊपर कर लूँगा, एक को मैं अप्लाई करने के बाद छोड़ दूँगा
और उसको जब पूरी बाइक का अपना काम हो जाएगा तब उसको रब करेंगे, दूसरे को मैं साथ साथ क्रीम अप्लाई करके तब रब करूँगा। अब करते हैं सबसे पहले एलॉय व्हील से स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्ड वाटर मार्क्स को लेके। इसमें जो रेड शेड आ रही है ना, ये सामने गाड़ी खड़ी है, रेड शेड उसकी आ रही है, इग्नोर कर देना। हल्का सा माइक्रोफाइबर में लेना है। यहाँ से अपनी क्रोम देखो, यहाँ पे आने के बाद फील हो रहा, साफ फील हो रहा है कि ये वाला एरिया क्लीन है। देखो यहाँ पे आके फिर से देखो, यहाँ पे आके फिर से वही ग्लो स्काई हो गई है। यहाँ तक सारा अभी हार्ड वाटर मार्क्स है और ये एरिया आता है, ये एरिया क्लीन है। यहाँ से क्लीन 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 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उसके बाद यहाँ से देखो तो हार्ड वाटर मार्क्स हैं जो हमारे, उनके लिए तो ये ठीक है। अब करते हैं रस्ट के जो छोटे छोटे स्पॉट लग जाते हैं ना, जैसे 2-3 मंथ्स हम अगर केयर नहीं करते गाड़ी की क्रोम पार्ट्स की, तो उस पर छोटे छोटे स्टार्टिंग जो होती है ना, वो छोटे छोटे रस्ट के डॉट्स से होती है, वही इस एरिया पर लग रहे हैं सारे। अब इसकी करते हैं हम, अब इस पे करते हैं अप्लाई वही चीज। रस्ट के जितने भी स्पॉट थे ना, देखो यहाँ पे रह रहे हैं थोड़े से, अभी ढंग से क्लीन नहीं करा, सिर्फ ये टेस्ट चल रहा है, तो इसमें भी ये पास हो चुका है। रस्ट के जो छोटे मोटे यहाँ पे थोड़े से रह रहे हैं, यहाँ से एरिया पहले के कंपैरिजन करो तो काफ़ी हद तक हट चुके हैं। मतलब मैंने अभी ढंग से क्लीन करा नहीं है, सिर्फ ये टेस्ट है, तो इसमें भी ये पास है। छोटे मोटे रस्ट के स्पॉट हैं तो उनको ये हटा सकता है, जो टेम्परेरी आपके 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स के अंडर लगे हैं वो वाले, ये जो मैंने दिखाए इतने पीरियड्स के थे। वैसे ग्लोज काफ़ी आ गया है, वो आपको दिख ही रहा होगा। अब जो तीसरा टेस्ट है ना हमारा, वो हमारा होने वाला है। अब करते हैं इस फेडेड पार्ट का, इसको हम अभी अप्लाई करके रखेंगे क्रीम से और लास्ट में इसका रिजल्ट देखेंगे क्या आता है। इसको हमने अप्लाई कर दिया, इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे कैसे छोड़ रहे हैं जब तक बाकी पार्ट्स क्लीन कर रहे हैं। तो जिस पार्ट का ऑक्सीडेशन की वजह से कलर चेंज हुआ पड़ा है ना, अब ये हमने कर लिया ऊपर का, अब अपर एरिया है जो इसका क्लीन। अगर इसके स्क्रैचेस की बात करें एक बार, तो ये तो इस पर पहले ही थे। ऑक्सीडेशन की वजह से कलर चेंज हो रहा है और रस्ट लग रहा है, वो अपर पार्ट में देख सकते हैं वो क्लीन हो चुका है। ये काफ़ी पुराना है, ये मैंने चेंज करना है, इसलिए बस ये मैंने आपको ये दिखाने के लिए इस पर यूज़ करा है। अगर यहाँ से देखें तो कलर भी उतरा हुआ है, यहाँ से कलर डैमेज है, कई जगह से इसकी क्रोम डैमेज है, लेकिन पर इसने अपर पार्ट को देखे तो क्रोम क्लीन कर दी है, बेशक डैमेज है पर कलर आप डिफरेंस साफ दिखाई दे रहा है। तो भाई अगर लाइट रस्ट हो तो आपका ये काम करेगा, ऑक्सीडेशन की वजह से कलर फेडेड हुआ पड़ा है तो ये आपका काम करेगा, और हार्ड वाटर मार्क्स है तो ये आपका काम करेगा। बाकी ये अभी रख रखा है हमने, डिफरेंस देख सकते हो, ये देखो इसका नीचे वाला पार्ट सेम इसके जैसा है। इस पर हमने अप्लाई करके छोड़ रखा सैंपल के लिए, ये देखने के लिए कि अप्लाई करके छोड़ना उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको रब करना ज़्यादा बेटर है या फिर साथ साथ जैसे हम यूज़ कर रहे हैं वैसे करना बेटर है, ये एंड में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो को। अब हम लाइट वाला टेस्ट करेंगे नहीं, हम ऑक्सीडेशन वाला वही सेम कलर वाला ही है जो यहाँ पे हमने कर लिया है। और चौथा पॉइंट है वो है हमारा हैवी डस्ट का। अब जैसे आयरन की रोड है, इस पर हो रही है क्रोम पॉलिश, ये डस्ट देख पा रहे हो आप, जैसे ये रस्ट है किसी भी गाड़ी या बाइक पे क्रोम पार्ट पे, ये ऐसा इस टाइप का रस्ट है ना जो हैंड लगाने में हल्का हल्का फील हो रहा हो
कि थोड़ा सा रफ सा फील हो रहा हो 19-20, तो वो पार्ट समझ लेना कि वो क्लीन नहीं होएगा। इसे इतने एरिया को करेंगे स्टिकर से इतना, और देखते हैं कितना हमारा क्लीन होता है नहीं होता। ज़्यादा रस्ट होने की वजह से ये वाला एरिया मैंने पेंट कर दिया था, तो क्रोम पार्ट सिर्फ यही है, इतना एरिया ही है। तो हैवी रस्ट पे भी हमने ट्राई कर लिया, जीरो इफेक्ट है, सेम एज इट इज़ पहले के जैसी है। बाकी अगर फील कर पा रहे हो, और इस वाले में अगर फील कर पाओगे, तो जो हमारी क्रोम है ना, शाइन में तो आई है, इधर थोड़ी सी येलोई शेड है, ब्राउनिश, इधर थोड़ी ब्राउनिश सी शेड आ रही है, और इस एरिया में जिस एरिया में हमने यूज़ करा है अपना क्रोम पॉलिश, इस साइड थोड़ा ग्लोसी सिल्वर लुक आ रहा है, ये तो मुझे ज़रूर फील हुआ है। लेकिन हैवी रस्ट के लिए ये नहीं है भाई, जैसे मैंने दिखा दिया सेम ये वाला। इस टाइप के रस्ट के लिए अगर आप लेने सोच रहे हो तो बिल्कुल मत लो, पैसे वेस्टेज है। ओवरऑल कंक्लूजन बता दूं मैं आपको, हार्ड वाटर मार्क्स हैं, लाइट मार्क्स हैं, रस्ट के लाइट स्पॉट हैं, जो रिसेंटली 2-3-4 मंथ्स जैसे सीज़न पास होता है, रेनी सीज़न, उसी अंडर पीरियड के अंदर के हैं, टेम्परेरी हैं, टेम्परेरी बोलते हो 6 मंथ के अराउंड हैं वो, तो वहाँ पे क्लीन हो जाएंगे। अदरवाइज़ वो बस ज़्यादा पुराने हो जाएंगे ना, वैसे मैंने वीडियो में नहीं दिखा रहा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये वाला एरिया है, ये डैमेज ही हुआ पड़ा है, इसको मैंने करके देखा था पर वीडियो में नहीं है, लेकिन यहाँ क्लीनिंग नहीं हुई क्योंकि ये वैसे डैमेज हुआ पड़ा है ऑक्सीडेशन से होके। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि 100% इसका रिज़ल्ट मिलेगा, ये चीज़ आपको सोच समझ के लेनी है कि किस एरिया तक, कहाँ तक आपके लिए ये ठीक रहेगा, किस लेवल का रेस्ट और ऑक्सीडेशन या फिर फेडनेस हटाने के लिए आप इसको परचेज कर रहे हो। बाकी किसी की नई गाड़ी या नई बाइक है तो क्रोम पार्ट्स है तो उस पर ले सकते हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है रेगुलर यूज़ के लिए। मतलब जैसे कि इस पर सीधा सीधा मेंशन कर रखा है ना, जो चीज़ इस पर सीधा सीधा मेंशन नहीं कर रखा है कि क्रोम पॉलिश एंड रस्ट रिमूवर, जैसे इसका क्रोम पॉलिश लिख रखा है इतना बड़ा बड़ा लिख रखा है, एंड रस्ट रिमूवर छोटा छोटा लिख रखा है, वैसे इसका सीधा सीधा काम है, रस्ट रिमूवर बहुत कम करना है इसने, रस्ट के हल्के हल्के स्पॉट हो तो वो कर सकता है, लेकिन अगर पॉलिश की बात करें क्रोम पॉलिश तो ग्लोव्स के मामले में मैंने देख लिया, ग्लोव्स के मामले में बहुत अच्छा है। ग्लोव्स तो नई गाड़ी आप ले रहे हो जैसे है आपके पास गाड़ी के, जैसे लोगो होते हैं महिंद्रा या फिर कोई भी मारुति महिंद्रा हुंडई ये सब, उन पर भी थोड़े ऐसे कलर आ जाते हैं, उनकी क्लीनिंग करनी हो टाइम टू टाइम तो आप इसको, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है ये प्रोडक्ट ले सकते हो, हैवी रस्ट के लिए ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड नहीं है। और लास्ट ट्रायल थी जो हमारी, ये थी कि अप्लाई करने के बाद फिर इसको माइक्रोफाइबर से क्लीन करना, अब वो टेस्ट मैं आपको करके बता देता हूँ कि आपको पहले अप्लाई करना है या फिर साथ साथ ही रब करके यूज़ कर लेना है। भाई जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ये मेरे डेड हो चुके हैं, उसके बाद भी अप्लाई करने के बाद काफ़ी सही रिजल्ट आ चुका है, इसके अंदर भी कोई इशू नहीं है। अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करके बताऊं मैं आपको, सेम है, तो मेहनत इसमें कम लगी है। पहले आप तो बेटर मेथड जो इसका इस पर यूज़ करने का तरीका लिखा हुआ है उसी से करो, वो ज़्यादा बेटर है। इस पर पहले अप्लाई करो फिर उसको छोड़ो, 10-15 मिनट बाद उसको माइक्रोफाइबर टॉवल से रब कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है जो वो इस पर मेंशन ही है। तो जो हमने तरीका करा उसमें थोड़ी सी मेहनत मुझे ज़रूर ज़्यादा लगी है, लेकिन हर चीज़ करने के बाद ही पता चलती है, ट्राई करने के बाद ही, तो मेथड आपको पता चल गया जैसे है, पहले अप्लाई कर लेना फिर इसको रिमूव कर लेना है। बाकी भाई वीडियो लगी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो करना, थैंक यू। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, देखो पसीने, फोन भी एक बार ओवरहीट हो चुका है इस, ये वाला बंद हो गया था उसी पीरियड में, ग्लव्स उतरा था ये वाला। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।